नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली बटावर न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर प्रसारित है। जी आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने 76,000 करोड़ रुपए के मेड इन इंडिया सैन्य उपकरणों को खरीदने की मंजूरी दे दी है। जी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस खरीद से भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज को काफी बढ़ावा मिलेगा और विदेश खर्च में काफी कमी आएगी। जी आपको बता दें कि डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को घरेलू इंडस्ट्री से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण और अन्य सायो सामान खरीदने को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने बताया कि इन खरीद प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC जी ने सोमवार को मंजूरी दी। जी आपको बता दें कि DAC ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के पूर्व यानी छोटे हेलीकॉप्टर की खरीद को भी मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 36,000 करोड़ रुपए है। इन ऑर्बिट का इस्तेमाल निगरानी मिशन, एस्कॉर्ट ऑपरेशन, डिट्रेंस सर्विस, सरफेस एक्शन ग्रुप यानी SAG, ऑपरेशन तलाशी और हमला, तटीय रक्षा जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि वायुसेना के लिए इन दो प्रस्तावों को मंजूरी दी। DAC ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान देने के साथ हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के डेनियर विमान और Su-30MKI एयरो इंजन बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जी आपको बता दें कि भारतीय सेना को नए टैंक और वाहन भी दिए गए। वही DAC ने भारतीय सेना के लिए रफ टेरेन फोर लिफ्ट ट्रक, ब्रिज बिछाने वाले टैंक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल व हथियारों का पता लगाने वाले रडार से लेस पहियेदार बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को घरेलू इंडस्ट्री से खरीद को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस खरीद से भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज को काफी बढ़ावा मिलेगा और विदेशी खर्च भी काफी कम हो जाएगा।